सब तो पहला मैं थोड़े सारे जिहड़े मेरे वीर भैन भरा आए ने प्रिंट मीडिया इलैक्ट्रॉनिक मीडिया और जो भी इत्थे पत्रकार साहिबान बैठे ने सारयां दा धन्नवाद करदा कि तुसीं अपना कीमती समां कढ के इत्थे भारतीय जनता पार्टी दे ऑफिस च आए। अज दी जिहड़ी ये प्रैस कॉन्फ्रेंस दे बारे मैं गल करना चाहवांगा कि एक अहम मुद्दा और अफसोसजनक मैं कहांगा कि जिहड़ी बड़ी शर्मनाक गल है मौजूदा सरकार वास्ते कि रोज़ दिहाड़े ही एक जिस तरह एक खेल ही बन गया है कि गुरु महाराज की बेअदबी। बहुत ही अफसोस नाल मैनू कहना पै रहा है कि पंजाब दे विच इस तरह की जिहड़ी हरकत हो रही है और सरकार जिहड़ी मौजूदा उहदे ते चुपचाप बैठी है, जिहड़े शरारती अंश ने उन्हां दे जिहड़े जिगरे ने दिन ब दिन वधदे जा रहे ने और मौजूदा सरकार जिहड़ी है चुप्पी वट के ते तमाशा देख रही है, चाहे वह मरिंडे च हादसा होया, चाहे उत्थे गोले वाले होया, चाहे एक होर थां ते गुरद्वारा साहब च नहिंगां दी आपस दी लड़ाई होई, ये हो की रहा पंजाब दे विच, ये की असी दर्शाउणा चाहुंदे आ। भारतीय जनता पार्टी इस एक्ट नूं और इस सरकार ते कोई ना सीरियस इस ते कदम चक्कण ते भारी रोस प्रगट करदी और निंदिया करदी मौजूदा सरकार दी। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੱਥ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, चाहे अजनाले दे विच गुरु महाराज की बीड उन्हां सबरूप उत्थे लैके थाने च लोग पहुँच गए। एक बहुत ही एक ऐसा हादसे हो रहे ने जिहदे नाल पंजाब दे विच पंजाब दी अमन ते शांति खतरे च नज़र आ रही है और मैं तां इक्को गल कहांगा कि इस खतरे तो बचण दा या इस पंजाब नूं दोबारा हसदा बसदा रंगला पंजाब बनाउण वास्ते भारतीय जनता पार्टी दा जो आने वाले समय च जो साडे प्रधानमंत्री जी की सोच है जिन्हां दी कहनी ते कथनी च कोई फर्क नहीं उही इस नूं पूरा कर सकदे ने। सानूं कोई उम्मीद नहीं है मौजूदा सरकार तों कि इस चीज़ ते कोई इन्हां ने कोई एक्शन लिया होवे। मैनूं तां इह वी लगदा है कि जिहड़ी सप्लीमेंटरी जिहड़ा इन्हां ने चलान पेश कीता कि ते सिर्फ उप चुनाव की खातर ही एक ड्रामा ही ना होवे। सो ये जिहड़ियां गल्लां ने असीं इहदी निंदा करदे हां। इहदे नाल ही मैं इह वी गल कहांगा कि इह जिहड़ी लोगां दे विच एक परसैप्शन क्रिएट करन दी कोशिश कीती सीगी, चाहे वह आम आदमी पार्टी है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे अकाली दल है, कि भारतीय जनता पार्टी पंजाबियों के ते खास तौर पर सिखां दे विरोध च, ये भी बिल्कुल लोगों ने नकारिया इस चीज़ नूं। अज पिंडां दे विच सानूं बहुत वड्डा हुंगारा मिल रहा है, अज पिंडां दे लोग पंच सरपंच नंबरदार ते अलग अलग संस्थावां दे लोग भारतीय जनता पार्टी नाल बहुमत दे नाल जुड़ रहे हैं और असी ये जिहड़ी उप चुनाव जिहड़ा हो रहा है जलंधर जिमनी चोन इहदे च असी भारी बहुमत लैके इन्हां पार्टियों तो अगे चलांगे। और दूजी गल इह भी मैं दसना चाहवांगा कि साडे मानयोग प्रधानमंत्री जी और साडी पार्टी ने
जो पंजाबियों वास्ते और खास तौर पर सिख कौम वास्ते, मैं खुद सिख, जो काम इन्होंने किए ने वो जदों साडा प्रधानमंत्री एक साफे वाला सीगा उदों भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं वो करन दिते। अज एडी वड्डी लिस्ट हैगी है कि मेरा ख्याल बहुत थोड़ा समा जिक्र नहीं करना चाहता है क्योंकि उपचुनाव चल रहे हैं सर। असी साड़ी एक अपनी आइडियोलॉजी है भारतीय जनता पार्टी की, असी अपने जेड़े परफॉर्मेंस से लोगों के आए हैं, ना कि किसी को दरड़ के आए हैं कि अज वो हालात पैदा करते इस मौजूदा सरकार ने जिदे च गरीबों का बुरा हाल है, ड्रग्स बढ़ गई ने और अज के इस हालात के फिर असी जे पंजाबी ये सोचन कि इत्थे निवेश होएगा, इत्थे इन्वेस्टमेंट्स होणगियां, तो मेरा ख्याल बहुत वड्डा एक गलत फहमी है। सानू इहदे ते विचार करना पएगा और भारतीय जनता पार्टी दा ये एक सपना ही नहीं, इहनू साकार भी करना है और वायदा भी है पंजाबियों दे नाल कि आने वाले समय दे विच ये डबल इंजन सरकार बनेगी और आ जिहड़ा उपचुनाव होण जा रहा है ये तो एक इतिहास पैदा होएगा और जिदे विच भारतीय जनता पार्टी पंजाबियों के नाल कमिटेड है और इस गल ते कमिटेड है कि इतों असी जिहड़े नशीले जिहड़े पदार्थ ने जिहड़ा छेवां दरिया जिहनूं कहा जाता है नशियां दा, जिन्हें पंजाब की जवानी नूं खत्म करन ते लगे हुए ने, उहनूं खत्म किया जाएगा, किसानां दी हमायत की जाएगी, गरीबां दी हमायत की जाएगी। अज जे असी सेंटर दीआं स्कीमां माइनस कर दिए तो मेरा ख्याल पंजाब च गरीब नूं तां रोटी भी ना मिले। अज वो भैणां जिन्हां ने फूकां मार मार के अखां नीआं कर लीआं, अज उत्थे गैस दे चुल्हे चल रहे ने, सेंटर सरकार वल्लों आए ने। अज वो गरीब लोग जिहड़े इलाज वास्तों उहनां दे कोल पैसा नहीं सी, अज 5 लख रुपया सेंटर सरकार तों आउंदा लेकिन मौजूदा सरकार ने वह भी मिसयूज़ करते फंड। अज जिहड़ी आटा दाल दी स्कीम है वह सेंटर तो आ रही है, जे मकान बनाउणे ने तां वह सेंटर चों आ रहे ने। सो कहण दा भाव, मैं ज़्यादा लंबी गल नहीं करना चाहुंदा, सो अज असी ये जिहड़ी एक्शन होया है और जिहदे ते मौजूदा सरकार ने अखां बंद कर लिया ने, कन्न बंद कर ले ने, उहदी असी निखेधी करदे हां, कंडेम करदे हां और पंजाब दे विच भारतीय जनता पार्टी अमन चैन शांति चाहती है, पंजाब नूं खुशहाल देखना चाहती है। फाटा कोई सवाल हो मैं उसका जवाब दिया। तुसी राय साहब इस गल नूं मानदे हो कि मेरी राय यह हैगी है कि केजरीवाल साहब सरासर झूठ बोल रहे ने, इहदे च कोई तथ्य नहीं, कोई सच्चाई नहीं। नशे अगे नालों 4 गुणा हो गए, लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। तुसी दसो ये लॉ एंड ऑर्डर कहिंदे हो जो इत्थे हो रहा है, जदों थाणियां ते हमले होण लग जाण, लोगों नूं घरां दे विच जा के कुटमार की जाए, नंगियां तलवारां लैके बाजारां च लोग घूमण ते धमकियां देण, जेलां दे विच जिहड़े नशे और दूजी इस तरह के गैंगस्टर बैठे होण, इहनूं तुसी लॉ एंड ऑर्डर कहिंदे हो? ये केजरीवाल जी दस सकते ने। हाँ जी, देखो जिहड़ा लॉ एंड ऑर्डर का जिहड़ा मुद्दा है ये स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट के ये बस च हैगा। मैनू ये गल दसो, स्टेट गवर्नमेंट ये कहे भी असी नाकामयाब हाँ, असी नहीं कर सकते गए, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का करेगी कुछ? देखो पॉलिसी तो बनिया हुई ने, सेंट्रल गवर्नमेंट तो इस वेले ये चाहती है, मोदी साहब की यह सोच हैगी है कि पंजाब दे विच इस तरह का कोई भी हादसा ना हो, वो हर पक्षों सिख कौम के इमोशनस नूं, उन्हां साडे धर्म नूं वो नाल खड़े ने, किसी पक्षों भी उन्हां दी मदद की लोड़ होएगी वो नाल। देखो यही तो मैं पूछना चाहना, इहदा जवाब केजरीवाल साहब देण, इहदा जवाब कि एक पाठी साहब पाठ कर रहे ने गुरु महाराज का स्वरूप, तो उन्होंने आके कुटमार की जा रही है और अखां बंद करके बैठे। बिल्कुल मेरी गल सुन लो, इको जी गल उदो हुई है वो सी बैबल कलां वाली और सरासर जड़ी है सरकार
अकाली दल चला रहा है, भाजपा वो हमेशा ही एक बहुत माइनर भी नहीं मैं कहांगा एक बहुत जिवें आटे च लून पाण वाली गल हैगी है वह हिस्सा सी। अज असी इस करके अपनी इंडिविजुअलिटी अपने आप नू पंजाब दे पिंडां दे विच पहली गल हैगी है कि जे भाजपा की सरकार होंगी तो ये इंसीडेंट ही ना होंदा, किसी की जरूरत ही ना होंदी। भाजपा नू पता है भी वॉट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन, भाजपा नू पता हैगा कि गुंडा राज नू किवें खत्म करना है, भाजपा नू पता हैगा कि बैड एलीमेंट्स नू किस तरह कंट्रोल करना हैगा। लेकिन मौजूदा सरकार ये चीज़ नहीं सोच रही, मौजूदा सरकार सिर्फ तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से गल चल रही है। देखो ये चीज़ा अज ती जो गल करिए जड़े कोई जे इस स्टेट चोरी होंगी है तो वो जड़ा चोर है वो मुल्तान तो थोड़ा आएगा, लोकल ही होएगा ना। मैं थोनों यही दसी है पर माड़े अंश तो हर कौम च होंगे ने, उन्होंने कंट्रोल करना तो साडा फर्ज है। एक गल असी ये नहीं कर रहे कि सिख, मैं गल इस वे सिख हिंदू की गल नहीं कर रहा है, सिख हिंदू एक चीज़ है, सिख भी उन्नी जिन्ना सिख मानता गुरु ग्रंथ साहब न हिंदू भी उन्नी मानते, तुम भी मानते हो, मैं भी मानते, मैं भी खतरी हाँ। देखो यही तो मैं गल कह रहा कि मौजूदा सरकार दे विच ह्यूमैनिटी खत्म हो चुकी है, धक्केशाही चला रहे ने। इस वेले इन्हां नूं पता है कि दे आर गोइंग टू लूज द इलैक्शन, ये सारिया हरकतां उदों होंदियां जदों मैं देखो मैं तो खिडारी हाँ, आई एम ए स्पोर्ट्समैन, तो कई बार जिहड़ा कमज़ोर खिडारी हुंदा है ना वह जदों पता हो भी हरदा वह रौला पाउण नूं लग जांदा है। ये तुसीं छोटे हुंदे आपां वेखदे हुंदे जो कोई गल हुंदी है, तो इस वेले आम आदमी पार्टी का तो यह हाल है, उन्होंने पता दैट दे आर लूजिंग, हुण उन्होंने कोई ना कोई इस तरह का जिहड़ा गैर कानूनी काम करनगे जिहदे च लोग डिस्टर्ब होण, लोग बाहर ना आउण, लोगों नूं दहशत होवे, ये सारियां चीज़ां तां कीतियां जा रहियां ने। ये तो आम आदमी पार्टी गल दसे भी जिन्हों को कैंडीडेट है नहीं गा। देखो एक पासे तुसी कह रहे हो, मैं एक मेरी गल सुनो, अकाली दल ने कहा या किसी होर ने कहा कि अकाली दल तो भाजपा तो एक टाइम तो कट्ठे सीगे, कट्ठे इलेक्शन लड़ते सी, उन्होंने जे कोई साडे च आ गया तो उन्हें तो वो मर्जी ना कट्ठे रहे ने भी उन्हें इस घर च रहना कि उस घर च जाना, ये तो कोई गल नहीं। लेकिन अज आम आदमी पार्टी दे कोल तो कोई कैंडीडेट है नहीं सी, उस पार्टी चो कैंडीडेट लैके आए ने जिदे ते इल्ज़ाम लाए जाते हैं भी ये करप्ट ने, इन्होंने पंजाब नू डोबता, इन्होंने पंजाब खा लिया, तो आम आदमी पार्टी कैंडीडेट उतों लिया के तुहाडे जलंधर ते तुहाडे सिरां ते बिठाउण लगे ने। नमस्कार दोस्तों, मैं तुहाडा अपना एसके सक्सेना ते तुसीं